हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की सेंटेंसरी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि जिन लोगों का आईटी जेम में स्कोर अच्छा नहीं बन पाया था, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे तुमसे सिली मिस्टेक हुई थी या फिर तुम एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए या फिर रिविजन नहीं कर पाए, प्रिपरेशन तो की थी लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए टाइमली, राइट, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाए, एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए या एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। यार, हमें क्वेश्चन तो आते थे लेकिन हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही वहां पर नहीं कर पाए, या तो प्रेशर हो सकता है वो, या फिर वो टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है कि हम उन क्वेश्चंस को रीड ही भी नहीं कर पाए, उनको हम ओपन भी नहीं कर पाए, राइट, कि एक क्वेश्चन के अंदर हमने काफी ज्यादा टाइम दे दिया। तो गाइस, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम एग्जाम के अंदर स्कोर नहीं कर पाए हो, तो उन चीजों के ऊपर तुम्हें वर्क करना है, क्योंकि अगर उनके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी सेम परफॉर्मेंस आएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो तुम्हें उन चीजों के ऊपर वर्क करना है ताकि सेम गलती दोबारा से ना हो रही हो। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी। तो धीरे धीरे यार उन चीजों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। रिजल्ट्स एकदम से नहीं दिखाई देंगे लेकिन धीरे धीरे तुम्हें वो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। अब बात करते हैं गाइस कि इन चीजों को कैसे इम्प्रूव करें। जैसे यार तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर है, टेस्ट दो तो वहां से चीजें इंप्रूव हो रही होंगी, ठीक है। धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं होगी। अगर तुम सोचो यार दो तीन टेस्ट देने से कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, राइट, धीरे धीरे करो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यार टाइमर सेट करो कि यार मेरे को आधे घंटे में 10 क्वेश्चन करने हैं, तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। एकदम से नहीं होंगी, अगर तुम एकदम सोचो तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी, राइट। तो ये चीज है। अब क्वेश्चन की अप्रोच नहीं आ रही है तो यार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, करते जाओ उनके सोल्यूशन देखो, करो, राइट। और क्वेश्चन को जस्ट यार ये मत करो कि यार उसका सॉल्यूशन देख लिया होगा, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार सॉल्यूशन को रीड करो, उसके बाद खुद से एक बार पेन से लिख करके देखो यार। तब हम लिखते हैं ना, तब हमारा जो टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, रीड करने में हम थोड़ा जल्दी रीड कर लेते हैं तो माइंड को एनफ टाइम नहीं मिलता उसके बारे में सोचने में, राइट। लेकिन तब हम लिखते हैं तो थोड़ा वो प्रोसेस जो है वो स्लो जाता है, तो माइंड को ज्यादा टाइम मिलता है उसके बारे में सोचने के लिए। तो लिखना जरूरी है गाइस, तब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। जैसे कितने लेक्चर्स देख लो, कितनी बुक रीड कर लो, कोई फायदा नहीं। तब तक खुद से नहीं लिखोगे क्वेश्चन को, खुद से सोल्व नहीं करोगे, तब तक खुद से नहीं सोचोगे, ठीक है। खाली रीड करने से कुछ भी नहीं होगा, नहीं आएगी अप्रोच कभी भी, कितनी बार पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो तब तक हाथ नहीं चलाओगे, तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, एकदम से नहीं होंगी, अगेन धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही होंगी, राइट। तो क्वेश्चन सोल्विंग करो जितनी हो सके, ठीक है। अब बात करें यार कोर्स की, कि कोर्स नहीं है यार हमारे पास, कंटेंट नहीं है रेलेवेंट। तो यार ये आईटी एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन कोर्स लिया था मैंने, ये काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। 1 घंटे की क्लासेस हैं, 1.5 घंटे की क्लासेस हैं, काफी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यहाँ पर, देख लो यार। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस काफी सारी हैं। इनफैक्ट एक कुछ क्लासेस 2-2 घंटे के आसपास की हैं, 2 1 आवर 50 मिनट्स की, ये क्लास 3 3 आवर की है, राइट। तो काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो इनके तुम देख सकते हो। या फिर अगर तुम्हें ये चाहिए कि सेंट्रलिस्ट के लिए पूरा एक डेडिकेटेड बैच मेरे को फॉलो करना है, राइट, एक लाइव क्लास की फील मेरे को लेनी है, तो गाइस उस केस में आप बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। सेंट्रलिस्ट के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है, राइट, उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। मैकेनिक्स की एक क्लास हुई अभी, आज सेकेंड क्लास है शाम को, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। प्रैप किट ऐप को विजिट कर सकते हो या फिर www.myprapkit.in वेबसाइट को विजिट करके कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यार ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारा कंटेंट है, अगर रिकॉर्डेड में देखना है तो इसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये तुम्हारा आईटी जेम सिलेबस का है, राइट। और कुछ सब्जेक्ट जैसे यार तुम्हारा थर्मल हो गया, थर्मल ऑलमोस्ट तुम्हारा काफी सारा पोर्शन मैंने कवर करा रखा है, राइट। मैं ये कहूंगा कि थर्मल ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। और देखो थर्मल के देखो 20 लेक्चर्स हैं यहाँ पर, और देखो 1.5 1.5 घंटे की क्लासेस हैं, राइट। एक आधी क्लासेस हैं जो 1 घंटे की है, मोस्ट ऑफ द क्लासेस तुम्हारी 1.5 घंटे की थर्मल की, ठीक है। तो काफी सारा कंटेंट थर्मल का अवेलेबल है, इसको फॉलो करो, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस है थर्मल का, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। हाँ, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे एक्स्ट्रा हैं जो तुम्हारे आईटी जेम के अंदर नहीं थे, जैसे तुम्हारा रेक्टिफायर है, राइट, वो टॉपिक तुम्हारा आईटी जेम के अंदर नहीं था लेकिन वो सेंट्रल स्टडीज में आएगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हर सब्जेक्ट से अलग है जो तुम्हारे एक्स्ट्रा है सेंट्रलिस्टी के अंदर, जो आईटी जेम के अंदर नहीं थे, लेकिन जो बेस सिलेबस है वो ये है। अगर तुमने ये भी कवर कर लिया वो भी बहुत है वैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन स्टिल अगर तुम ये कि पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो तुम सेंट्रलिस्टी के बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। चैनल के ऊपर जाना है, प्रेप किट चैनल यूट्यूब पे, राइट, वहां पर तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, राइट। आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि कुछ हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो, राइट। तो मेरे को जस्ट ये शेयर करना था यार, तुम्हें अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना, जो तुम्हारी यार कमियां रही हैं पहले,
राइट, जो आईटी जैम में तुम्हें फील हुई कि यार ये मेरी ये कमी रही है, तो उसको तुम्हें दूर करना है, क्योंकि अगर उसको दूर नहीं करोगे तो शायद से सेम रिजल्ट सेंट्रल में भी आएगा। टाइम अभी सफिशियंट टाइम है, 3 मंथ्स हैं, तो अपनी कमियों के ऊपर काम करो, धीरे धीरे रिजल्ट इंप्रूव हो रहा होगा। अगर वर्क नहीं करोगे तो सेम सिचुएशन जाएगी, कोई फायदा नहीं है, राइट। इससे अच्छा रहने दो, तो चीजों को सुधारना है तुम्हें, राइट, जो वीकनेस है उसको इंप्रूव करना है ताकि रिजल्ट हमारा इंप्रूव हो रहा हो, ठीक है। और गाइस एक चीज और, कि जैसे तुमने जो क्वेश्चन किए हैं, पहले भी प्रैक्टिस की होगी, पहले भी पढ़ा है, राइट, नो डाउट। तो गाइस तुम्हारे मन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अप्रोच नहीं हुए, तो यार वो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है, तो तुम्हें अपने जो प्रैक्टिस है, जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, उसको इंक्रीज करना है। क्योंकि बिलीव मी, मैं काफी टाइम बोल चुका हूँ ये चीज, बिलीव मी, क्लासेस अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, तब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, कंसेप्ट को खुद से रिवाइज नहीं करोगे, रिकॉल नहीं करोगे, क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट। पहले अनसोल्व क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मत करो ना, जिसके तुम्हारे पास सॉल्यूशन है सिर्फ उनको करो, जो तुम्हें क्लासेस में डिस्कस कराया गया है उनको प्रैक्टिस करो, जो बुक्स में सोल्व क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो, राइट। अनसोल्व क्वेश्चंस को मत देखो, पहले पहले सोल्व क्वेश्चन को देखो, या फिर पीवाईक्यूज के यार जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं उन क्वेश्चंस को देखो, जिनके तुम्हारे पास सॉल्यूशन है उनको देखो, राइट। उसके बाद फिर अनसोल्व क्वेश्चन की तरफ जाओ, जिनके पास तुम्हारे सॉल्यूशन नहीं है उनको ट्राई करो, राइट। तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। अगर तुम ये सोचो यार रातों रात में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, नहीं होगा, 1 हफ्ते में एक्सपर्ट हो जाओगे, नहीं होगे, मंथ लग सकता है, 2 मंथ्स लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, लेकिन रातों रात कुछ भी नहीं होगा, और तब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। साफ सीधी बात है, नो बकवास है, ठीक है। क्योंकि यार देखो प्रिपरेशन काफी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आई एग्री, ठीक है। अगर तुम्हें अपना कराना है तो एफर्ट तो डालना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं, ठीक है। अगर चूज किया है कि करना ही है, राइट, तो थोड़ा सा सीरियस हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाओ, राइट। तो और प्रिपरेशन कैसे होगी तुम्हारी, सेल्फ स्टडी से होगी, ठीक है। जितना तुम खुद से पढ़ोगे वो चीजें ज्यादा रिलेवेंट होगा, ये वीडियोस देखने से खाली कुछ भी नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिलीव मी, सब कुछ वेस्ट है। अगर लेट्स से कि तुमने ये 1 घंटे 22 मिनट की क्लास अटेंड की है ना, इसके बाद 3 घंटे खुद से देखना है, इस चीज को दोबारा से रिवाइज करना है जो 1.5 घंटे में तुमने यहाँ पर सीखा, उसके फिर क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे या फिर पीवाई को तुम देख सकते हो उससे रिलेटेड। तब तक उतना टाइम इस टॉपिक के ऊपर स्पेंड नहीं करोगे, तब तक ये चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी। खाली तुमने देखा, लो भाई वीडियो चला दी, देख लिया, बताओ कुछ हो जाएगा कैसे, नहीं होगा। तब तक खुद से नहीं सोचोगे चीजों के बारे में, तब तक चीजें नहीं होंगी इंप्रूव, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी गाइस, क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो खुद से, तब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होंगी चीजें इंप्रूव, ठीक है। ये मैं पहले से कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा सेम चीज, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम मिलेंगे किसी और लाइव सेशन के अंदर, टिल देन बाय। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं, जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो फ्री क्लासेस होती हैं, जैसे वो यूट्यूब के ऊपर हो या फिर ऐप के ऊपर हो, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे गाइस किसी और लाइव सेशन के अंदर, टिल देन बाय।